जिंदगी वक्त के बहाव में है, यहाँ हर आदमी तनाव में है। हमने लगाया पानी पर इल्जाम, पर ये ना देखा कि छेद नाव में है। आपकी जिंदगी की नाव में जो छेद है वो है स्ट्रेस, एग्जाम का स्ट्रेस, अच्छे मार्क्स लाने का स्ट्रेस, एक अच्छी जॉब और लाइफ में सेटल होने का स्ट्रेस, कल क्या होगा इस बात का स्ट्रेस। हमारी जिंदगी स्ट्रेस और टेंशन से भर चुकी है और इसी स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम दिन रात भागते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, जबकि आपके संघर्ष और आपके स्ट्रेस का कोई रिलेशन नहीं है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, अगर आप में स्ट्रेस झेलने की ताकत नहीं है तो आप सक्सेसफुल होने के लायक नहीं है। और इसी बात को मानकर बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में स्ट्रेस झेलते जाते हैं, संघर्ष करते जाते हैं और उनकी लाइफ बद से बदतर बन जाती है। जबकि हकीकत तो ये है कि अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है तो आप कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। एक बार सोच कर देखिए, आप इतनी पढ़ाई, इतनी मेहनत, इतना स्ट्रगल किस लिए कर रहे हैं? ताकि आप एक सुकून की जिंदगी चैन से जी सकें। लेकिन हो इसका उल्टा रहा है, सुकून से जिंदगी जीना तो दूर, आपके पास जिंदगी जीने का ही समय नहीं बचा। हर वक्त दिमाग में नकारात्मक बातें चलती रहती हैं, कल की चिंता चलती रहती है, और अगर यही सब ज्यादा लंबे समय तक चला तो आप ज्यादा दिन नहीं चल पाओगे। हम आज जो काम करते हैं उससे हमारा कल बनता है। अगर हम आज कल की चिंता करने बैठ जाएंगे तो आने वाले कल के साथ साथ हमारा आज भी खराब हो जाएगा। किसी एक की नहीं, सबकी यही कहानी। दबाव और तनाव में गुजर रही जिंदगानी, उम्मीदों के बोझ, सपनों की नाव लिए अफसोस है कितने, जैसे कई गुनाह किए। अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की बजाय खुश होना चाहिए कि आप अपना 100% डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। जिंदगी में किसी भी काम के फल की चिंता अगर करोगे तो हमेशा परेशान रहोगे। आपको फल पर नहीं, कर्म पर ध्यान देना है, क्योंकि कर्म आपके हाथ में है, और जो आपके हाथ में है अगर आपने वो ठीक से नहीं किया तब गलती आपकी है। लेकिन अगर आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, आपने अपना काम कर दिया है, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग कर्म करते समय, मेहनत करते समय फल की चिंता करते हैं, रिजल्ट्स की चिंता करते हैं, उससे उनका काम में मन नहीं लगता और सक्सेसफुल होने के चांसेस भी उनके कम हो जाते हैं। वही काम अगर बिना टेंशन के आप खुश होकर करोगे तो काम भी अच्छे से होगा और उसके परिणाम भी अच्छे ही आएंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक का डर छोड़ दो, कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य, बस किसी का दिल ना दुखे अपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि जीवन में उतार चढ़ाव तो हमेशा आते रहते हैं, इसलिए हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि धूप के बाद छांव और दुख के बाद सुख, यही जीवन का सार है। हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज हमेशा एक समान नहीं रहती, वक्त के साथ सब कुछ बदलता रहता है। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, कैसा भी वक्त हो, सब कुछ एक समय के बाद जरूर बदल जाता है। ऐसे में दोस्तों, कभी हार ना माने, बस चलते रहें, अडिग होकर जीवन की राह में कदम बढ़ाते रहें, और हमेशा ये बात याद रखें कि इस दुनिया में कुछ भी कर पाना असंभव नहीं है। बस आप सकारात्मक सोच के साथ बिना टेंशन लिए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज़।